नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के 5512 जो वैकेंसी है उसकी शॉर्टलिस्टिंग जारी कर दी गई है। आप लोगों ने उसे देख लिया होगा और अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन, सबसे बड़ा जो आप लोग के दिमाग में आ रहा है, आप लगातार फोन कॉल और मैसेज करके परेशान कर रहे हो, वो ये है कि सर अब तैयारी किस प्रकार से किया जाए। बेटा मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब एग्जाम सर पे आ जाए तब तैयारी मत किया करो, पहले से ही स्टार्ट कर दिया करो। लेकिन चलिए, अभी ऐसा नहीं है कि अंतिम समय में आप कुछ करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अंतिम समय की मेहनत और सही दिशा में सही स्ट्रेटजी के साथ अगर बेहतर रणनीति आपकी है तो निश्चित रूप से उससे सफलता मिलती है। और उसी क्रम में आज इस वीडियो में आने वाले 5-10 मिनट में सब कुछ मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत ही बेहतरीन आपको सारी नॉलेज यहां पे मिलने वाली है। क्या है कि कैसे करें तैयारी जूनियर असिस्टेंट के 5512 पद पे, सेल्फ स्टडी से काम चल जाएगा, क्लासेस ज्वाइन करें, बुक्स क्या हो, पीडीएफ क्या हो, टेस्ट लगाएं, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, एक क्वेश्चन आ रहा है कि कट ऑफ क्या हो सकता है, कट ऑफ क्या था पिछला, सेफ स्कोर हम क्या तक लेके चले, पेपर का लेवल क्या हो सकता है, सिलेबस तो आपको पता होगा, नहीं होगा तो भी मैं, और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि आखिर इसका एग्जाम डेट कब होगा। तो ये बैचेस जो आप डिमांड कर रहे हो उनके हैं, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा, बैचेस मेरा उद्देश्य नहीं है। ये सारी किताबें हैं जो जूनियर असिस्टेंट के लिए स्पेशली हैं, बट ये मैं बाद में बताऊंगा, ये भी मेरा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य मेरा है कि आपको एक सही गाइडेंस दे पाऊं, एक सही मार्गदर्शन आपको दे पाऊं कि एग्जैक्टली इस पूरी वैकेंसी में होने क्या वाला है। तो समझिए, जूनियर असिस्टेंट 2024 की वैकेंसी में पोस्ट आपके 5512 है, शॉर्टलिस्टेड हुए हैं बच्चे 15 गुना, लेकिन ये 2 अंक तक करते हैं इस कारण से लगभग है 45 गुना, और ये जो टोटल पद हैं पद के हिसाब से 2,43,981 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, किसके मुख्य परीक्षा के लिए जो मेंस एग्जाम देंगे और जिसका सिलेबस आपका 100 क्वेश्चन 2 घंटे का है। ये आप देख सकते हो, ये इन किसके लिए ये बच्चे देंगे, कौन सा पेपर देंगे, जिसमें आपका 30 क्वेश्चन हिंदी और 15 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन आपका जीएस, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर, 20 क्वेश्चन आपका यूपी स्पेशल, अपडेटेड जो सिलेबस है आपका पिछली बार से 100 क्वेश्चन 2 घंटे का 1/4 नेगेटिव के साथ, ये आप पेपर देने वाले हो। और इस पेपर में बैठने वाले बच्चों की संख्या है 2,43,981, और यहां से पास होने वाले बच्चे जो होंगे वो ऑफिशियल आंकड़े के हिसाब से 5 गुना, लेकिन क्योंकि जितने भी बच्चे समान अंक प्राप्त करते हैं उन सबको क्या कर लिया जाता है, सम्मिलित कर लिया जाता है। और क्योंकि जब अगर हम पिछली बार देखें तो पिछली बार ही 10-12 गुना था, लेकिन इस बार बढ़ के आएगा, मैं अभी आपको दिखाता हूं, तो हो सकता है कि ये आपका, मैं मिनिमम लेके चलूं तो 5 गुना बुलाया जाएगा, बट वो बच्चे जो होंगे वो रियल वैल्यू में 10 से 12 गुना होंगे। जैसे 15 गुना बुलाया गया तो बच्चे 45 पहुंच गए, 5 गुना बुलाया जाएगा तो बच्चे 10 गुना पहुंच जाएंगे, 10 से 12 गुना पे मिनिमम 55,000 से लेके 65,000 बच्चे टाइपिंग के लिए क्वालिफाई होंगे, और ये एक बहुत बड़ी संख्या होती है। इस कारण से एक चीज ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या होते हैं, आयोग इस आंकड़े को मिनिमम 3 गुना तो लेना ही पड़ता है, तो 3 से 5 के बीच में वैरी भी करते हैं, वैकेंसी बहुत कम होती है तो 8 गुना तक भी लिया गया है, ऐसा माना गया है, ऐसा देखा भी गया है पिछले। लेकिन ये किस आंकड़े के आधार पर कह रहा हूं, मैं आंकड़े के आधार पर कह रहा हूं, ये जो 1262 वैकेंसी अभी रिसेंट में कंप्लीट हालांकि नहीं हुई है, इसमें जो टाइपिंग के लिए बच्चे बुलाए गए हैं उनको मैं दिखा देता हूं, ये 5 गुना आप अगर देखोगे, ये सही से देख पाओ तो ये कुछ ऐसा नहीं है, 5 गुना बच्चे, लेकिन समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए तो 1262 के सापेक्ष अगर देखा जाए तो 15,000 जो 174 है ये लगभग आपके 12 गुना जा रहे हैं, तो 12 गुना बच्चे टाइपिंग के लिए गए थे, बट यहां पे हो सकता है अगर ये 5 गुना बोलेंगे तो ये वैकेंसी बच्चे तब भी 10 से 12 गुना होंगे, तो 55 से 65,000 के बीच में बच्चे क्या होंगे, टाइपिंग के लिए जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि इतना जब टफ कॉम्पिटिशन होगा तो आखिर ये पहली बात तो एग्जाम डेट क्या होगा, क्या एग्जाम डेट हो सकती है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो एक चीज समझिएगा कि जब ये क्या करते हैं, शॉर्टलिस्टिंग जारी कर देते हैं, जब ये फाइनली कट ऑफ जारी कर देते हैं, इसका मतलब कि उनकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाती है, पेपर ऊपर उनका बन गया होता है तभी ये सारा काम करते हैं, वरना उससे पहले करती नहीं यूपी ट्रिपल एससी जैसा देखा गया है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब आपके एग्जाम में जो मैक्सिमम समय मिलेगा वो 2 महीने का समय मिलेगा, मतलब अगर देखा जाए तो 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल और 15 अप्रैल से 15 में तब तक चुनाव भी संपन्न हो जाएगा, और हो सकता है मई के पहले दूसरे सप्ताह में आपका ये पेपर संपन्न करा लिया जाए, और इसी टारगेट को लगभग 60 डेज को आप लेके ये क्या करना,
करना है 60 डेज की एक सिलेक्शन स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको काम करना है। टाइपिंग के बारे में आपको पता ही होना चाहिए, टाइपिंग में जो बच्चे हैं वो ध्यान दीजिएगा कि आपका हिंदी इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टाइपिंग मांगता है। इंग्लिश में आपका 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में आपका 25 वर्ड पर मिनट, इसकी जानकारी मैं अलग से वीडियो में दे दूंगा। कट ऑफ और सेफ स्कोर क्या रह सकता है, अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कहां से पढ़े, कैसे पढ़े ताकि हमारा क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। तो ये पुराना आंकड़ा है, 1262 पद पे 15 गुना बुलाया गया था तो 41037 था, ये भी लगभग उतना ही आया था। अब आते हैं कट ऑफ। तो कट ऑफ देखने के लिए जिम्मे क्यों आंकड़ा लेके आया हूं, आप देखो 1262 पिछली बार पद था, 15 गुना बुलाएगा, 15 गुना से 41,000 बच्चे पिछली बार थे। 41,000 बच्चों ने जब पेपर दिया, आप सारे के सारे बच्चे तो पेपर नहीं दिए होंगे, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि मेंस के मुख्य परीक्षा जल्दी कोई छोड़ता नहीं है, फिर भी 37-38 हजार तो बच्चे दिए ही दिए होंगे, बहुत ज्यादा छोड़े होंगे, 2-3 हजार बच्चे छोड़े होंगे। तो 48.25 उन 38,000 बच्चों का क्या था, कट ऑफ था। ये कितने में से था, ये 100 में से था, जनरल का कट ऑफ गया था, ये बहुत कम गया था, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसलिए कम गया था क्योंकि जो पेपर का लेवल है, अभी मैं आपको बताने वाला था, ये बहुत ही औसम था, पेपर लेवल बहुत बेहतरीन है। और पेपर लेवल की बात किया जाए ना, तो पेपर लेवल आप पीटी 2023 से देख सकते हो किस लेवल का यूपी ट्रिपल एससी पेपर बनाता है। तो यूपी ट्रिपल एससी का पेपर देने जा रहे हो, इसका मतलब जीएस हो गया, इसका मतलब यूपी हो गया और आपका रीजनिंग हो गया। इन तीन पोर्शन को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, ये पोर्शन आपका सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और सबसे कठिन स्तर के आने वाले हैं। और फिर से आपके मुख्य परीक्षा में, जब वो अहर्ता परीक्षा में इस लेवल का पूछ सकता है कि 55-52 नंबर पे बच्चों का 99% बन गया है, मतलब कि टॉप 1% वाले बच्चे भी कितने में है, मात्र 55 नंबर पाए हुए हैं, 55 के ऊपर पाए हुए हैं, ये ऐसा बोल सकते हो कि 55 के ऊपर पाने वाले बच्चे केवल 1% है। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि यूपी ट्रिपल एससी पेपर का लेवल क्या बनाता है। तो यूपी ट्रिपल एससी में पेपर के लेवल की बात कर दिया जाए तो जीएस एकदम वो पीसीएस की किसी, आप बोल सकते हो प्रारंभिक परीक्षा से कम नहीं बनाता, किसी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा ले लिया जाए या यूपी ट्रिपल एससी की मुख्य परीक्षा ले लिया जाए, दोनों का लेवल लगभग 19-20 रहता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन कुछ पार्ट जैसे कंप्यूटर होता है, जैसे आपका हिंदी होता है, और कई बार आपका यूपी भी बोल सकते हो, ये पोर्शन आपका क्या होता है, रिलैक्स देने वाला होता है, यहीं से बच्चे स्कोर करते हैं। लेकिन इतना करने के बाद भी 48 नंबर जो कट ऑफ गया, इतना कम गया, ये क्यों? जब आपके ये स्कोरिंग पार्ट है तो स्कोरिंग पार्ट की वजह से थोड़ा सा तो नंबर ज्यादा जाना चाहिए, इसका मतलब बच्चा जीएस और रीजनिंग में कुछ नहीं कर पा रहा है। मैं कंप्यूटर हिंदी यूपी की बात कर रहा हूं, और रीजनिंग भले ही टाइम कंज्यूमिंग होती है बट स्कोरिंग तो होती है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप एक बार ये आंकड़ा लगा लो कि अगर 37-38 हजार बच्चा सम्मिलित हो रहा है तो कट ऑफ इतना जा रहा है। अगर 37-38 हजार का मान के चलो कि, क्योंकि लगभग 2.5 लाख, लगभग 2,40,000 बच्चे इस बार होंगे, तो अगर हम 37-40 हिसाब से देखा जाए तो 3 से 3.5 गुना बच्चा पिछली बार की वैकेंसी से इस बार क्या है, ज्यादा है। तो 3 से 3.5 जो बच्चे होंगे, कंपटीशन ज्यादा होगा, तो इससे कम तो कट ऑफ नहीं जाएगी, ये दिमाग में मत रखिएगा कि अब इस बार भी आपका क्या हो जाए कि 100 नंबर में 50 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाए। इस बार अगर पेपर का लेवल जैसे पिछली बार था या थोड़ा सा और मॉडरेट लेवल का बनाता है तो मान के चलिए कि 70 से 75 के बीच में तो मिनिमम मुख्य परीक्षा की कट ऑफ जाएगी ही जाएगी, और इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी, अन्यथा आप अपने आप को क्या मानिएगा, बाहर ही मानिएगा। ये दिमाग में रखिएगा, आज कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो पढ़ नहीं रहा, सब बच्चों को नौकरी चाहिए, आपको भी चाहिए तो आपके साथी को भी चाहिए, और दोनों ही एक ही पद के लिए बराबर गला काट प्रतियोगिता के लिए आप क्या कर रहे हो, लड़ रहे हो। बाकी अन्य कैटेगरी वाले भी अपने एक बार देख लीजिएगा, किसी का बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल तो लगभग सेम ही रहते हैं, बहुत ज्यादा एससी और एसटी में थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, वो भी 3-3, 4-4 नंबर का, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता, यही दिमाग में रखिएगा। बाकी जो महिला होती है उनके बाद लगभग यही कट ऑफ गया था, उनका भी कोई बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ था। अब पैटर्न ये है और हमें स्कोर कितना करना है, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं कि 70 से 75% अगर आप स्कोर करते हो ये निगेटिव हटाने के बाद में, तब आप समझना कि ये आपका स्कोर क्या है, ये आपका स्कोर सेफ है। और इसके लाने के लिए अब बच्चा गलती कहां पे करता है, बच्चा गलती करता है कि वो जूझा रहता है कहां पे, वो सामान्य जानकारी सबसे ज्यादा पढ़ेगा, सामान्य जानकारी और क्वेश्चन है 20 और इसमें भी ऊटपटांग क्वेश्चन पूछेगा, बच्चा नहीं कर पाएगा 7-8 भी, मतलब पूरी तैयारी में आपने 80% समय दिया जीएस को और कल के आए केवल 20%, तो ये आपकी सही रणनीति नहीं है। आपकी स्कोरिंग पार्ट क्या है, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में क्या कहते हैं बच्चे कि सर इसमें पता नहीं क्या क्या पूछ लेता है, इंटरनल
इंटरनेट ऑफ थिंग्स पूछ लेता है, साइबर सिक्योरिटी पूछ लेता है, बहुत कठिन कंप्यूटर पूछता है। बेटा इसीलिए मैंने आपके लिए पूरा आंकड़ा निकाल के लेके आया हूं कि पिछली बार जो कंप्यूटर का पेपर था, एमएस ऑफिस से 3 क्वेश्चन, हिस्ट्री जनरेशन से 3 क्वेश्चन, इंटरनेट नेटवर्क से 4 क्वेश्चन, और ये वो पार्ट है जो शायद कोई भी ऐसा एग्जाम ना हो जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता हो और इस टॉपिक से क्वेश्चन ना हो। तो यहाँ पे 4, 7, 4, 11 8 से 10 क्वेश्चन देखा जाए तो ऊपर यहीं पे कवर हो जा रहा है। मतलब अगर आप देखो तो 15 क्वेश्चन में अगर 10 क्वेश्चन ये कवर कर रहा है, मतलब 2/3 क्वेश्चन तो 66 से 67% क्वेश्चन यही कवर कर ले रहा है। आप इसके लिए परेशान हो तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से 1 क्वेश्चन पूछा, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 2 क्वेश्चन पूछा, साइबर सिक्योरिटी से 1 क्वेश्चन पूछा और आप परेशान रहते हो कि सर कंप्यूटर बहुत कठिन पूछता है। आपकी रणनीति यहां पे फोकस नहीं होनी चाहिए, आपकी रणनीति यहां पे फोकस होनी चाहिए। फिर भी मैं आपको कंप्यूटर बता रहा हूं कि कंप्यूटर ऐसा विषय है कि आपको 15 में 15 स्कोर कर सकते हो। आपको पढ़ाने वाला बेहतर होना चाहिए, आपके पास टीचर बेहतरीन होना चाहिए और आपके पास कंटेंट और रिसोर्स बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये आपको परीक्षा प्रश्न से बहुत बेहतरीन, जो खुद आशीष सर आपको कंप्यूटर साइंस से एमटेक किए हुए वो पढ़ाते हैं, कंप्यूटर बहुत लाजवाब पढ़ाते हैं, किसी भी चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर किसी बच्चे से पूछ लीजिए, चाहे एपीएस किसी बच्चे से पूछ लीजिए, जिस भी सेगमेंट में कंप्यूटर आया है पहला नाम केवल आशीष पाठक सर का आएगा, वो आपको बहुत बेहतरीन पढ़ाएंगे टीम परीक्षा प्रश्न पे। और मेरे ख्याल से अगर मुझे पढ़ना होता कंप्यूटर तो मैं भी इन्हीं से पढ़ता। तो मैं इतना गारंटी दे रहा हूं कि आप यहां पे 15 में 15 स्कोर कर सकते हो। एकाध क्वेश्चन कहीं कम हो जाए तो वो बात अलग है, बट ये स्कोरिंग पार्ट है। और वहीं पे ये पार्ट सबसे खतरनाक पार्ट है, मैं दोनों को साथ में रख के चला हूं। यहां पे अगर आप देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, आप पढ़ते हो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ते हुए परेशान हो जाते हो, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछता, क्वेश्चन पूछेगा स्टैटिक जीके से। आप उससे अच्छा क्या पढ़ लो, आप केवल करंट अच्छे से पढ़ लो। अगर ये दोनों क्वेश्चन पढ़ लोगे केवल स्टैटिक जीके और करंट, तो 5, 3, 8, 20 में से 8 मतलब कि आप बोल सकते हो 40% नंबर आपका यहां से स्कोर हो जाएगा। उसके बाद पॉलिटी आपका छोटा पोर्शन होता है, आप इसे अच्छे से पढ़ो, भले 2 नंबर है बट यहां पे क्या होंगे श्योरिटी होगी। हिस्ट्री का 4 क्वेश्चन आपको दिख तो रहा है लेकिन ये कहां से पूछ ले ये कोई पता नहीं होता, उससे ज्यादा बेटर सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी होता है। आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लोगे तो यहां पे स्कोरिंग होगा। फिर भी जीएस को मेरी रणनीति के हिसाब से जीएस को आप इतना फोकस करिए कि 10 से 12 नंबर लाइए, और 10 से 12 के लिए अगर आप करंट पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, स्टैटिक जीके पढ़ते हो, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, इतना पार्ट केवल आप जीएस में पढ़ लो। फिर से मेरी बात सुन लो, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री में केवल मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी में केवल इंडियन ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके कंप्लीट पढ़ लो, स्टैटिक जीके मतलब फेमस पर्सन, फेमस प्लेसेस, ये सारी वाली बात हो गई। और उसके बाद अगर आपकी बात किया जाए तो यहां पे आप करंट अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो 10 से 12 नंबर आप स्कोर कर लीजिएगा। कंप्यूटर में 15 नहीं आ पाओगे, मैं कह रहा हूं 14 करोगे, 13 करोगे, 13 और 12 मिला लिया जाए तो आप कम से कम 25 नंबर केवल इन दो पोर्शन से कर लिए। यूपी स्पेशल ये आपका पढ़ने वाला पोर्शन है, जीएस से ज्यादा आप यूपी स्पेशल से पढ़िए, क्योंकि 20 क्वेश्चन केवल यूपी एक क्वेश्चन से पूछता है, और यूपी के इतिहास से 4 क्वेश्चन, यूपी के कला संस्कृति से 5 क्वेश्चन, उद्योग से 4 क्वेश्चन, यूपी के करंट से 3 क्वेश्चन, यूपी के जीओ से 3 क्वेश्चन, यूपी के इकोनॉमी से 1 क्वेश्चन। ये पिछली बार के पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन है और इस हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो यूपी में भी स्कोरिंग है और 20 में से 15+ आराम से बच्चा यहां पे स्कोर कर सकता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं कह रहा हूं बहुत कम करेगा तो 12-13 पढ़ने पर, यहां पे 20 में से 10-12 करने में मुश्किल होगा बट यहां पे 10-12 करने में आसानी होगी। 12 के नंबर आप जितना स्कोर कर पाओ वो आपका नंबर है, बट 12 नंबर 13 नंबर तो आसानी से आ जाएगा, बट यहां पे बहुत मेहनत करने के बाद भी 10-12 नंबर आएगा, ये आप डिफरेंस समझिएगा। उसके बाद आते हैं तो उसका आपका बचता है रीजनिंग। रीजनिंग और हिंदी में बता दूं कि कोई शायद ऐसा टॉपिक होगा जो हिंदी में ना पूछता हो और कोई ऐसा सैड टॉपिक होगा जो रीजनिंग में ना पूछता हो। 15 क्वेश्चन है तो एक आपका कोडेड ब्लड रिलेशन से, एक क्वेश्चन आपका सिलॉग से, एक क्वेश्चन आपका ऑड वन आउट से, एक क्वेश्चन आपका सीरीज से, एक क्वेश्चन आपका फिगर सीरीज से, एक क्वेश्चन आपका देखा जाए तो मिरर इमेज से, एक काउंटिंग फिगर से, एक मिसिंग नंबर से, जितने भी टॉपिक है, एक कंक्लूजन अजम्पशन से, एक आपका बोल सकते हो कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन से, सारे से हर पोर्शन से आपका क्या होता है रीजनिंग, एक एक क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको पढ़ना सारा पड़ेगा बट आप इसमें स्कोर कर सकते हो भले ही टाइम कंज्यूमिंग हो। और हिंदी में भी चाहे आप पत्र लेखन की बात करो, चाहे आप साहित्य की बात करो, चाहे आप ग्रामर की बात करो, चाहे आप शब्दावलिया की बात करो, सारे ही पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप रश्चंद अलंकार से बात करो, चाहे पद पदबंध से बात करो, हर टॉपिक से आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। और यहाँ पे फिर भी जिसमें 5 क्वेश्चन आपका क्या होता है, 5 क्वेश्चन आपका पैसेज से पूछता है, तो हिंदी के जो क्वेश्चन बचे वो क्वेश्चन बच रहे हैं आपके 25, और इस 30 में से
25 आराम से स्कोर किया जा सकता है हिंदी में। यानी अगर आप टारगेट बनाते हो कि 25 हिंदी में स्कोर कर लो, उसके बाद आप यहाँ पे रीजनिंग में भी आप कम से कम 12 स्कोर कर लो, 25 अगर आप हिंदी में स्कोर कर लो, कंप्यूटर में भी आप 12 ही स्कोर कर लो, सामान्य जानकारी भी आप 12 ही रखो, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 12 से 15 के बीच में रखो, तो मैं ऑन एवरेज 12 चौक 48 और 48 और 25 की बात करो तो यहाँ पे 65 से 66 नंबर आप केवल बिल्कुल सेफ चलोगे तब पहुंच जाओगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो मैं इतना टॉलरेंस, ये 65 से 70, ये बिल्कुल एग्जैक्ट में बता रहा हूं, इतना आप सही करोगे। और मैंने आपको सेफ स्कोर क्या बताया, 70 से 75%, ये 5 से 10% जो आपको बढ़ाना है आप हिंदी में बढ़ा सकते हो। मैंने कंप्यूटर में 2-3 नंबर का टॉलरेंस दिया, यहां पे बढ़ा सकते हो रीजनिंग में 2-3 का। अगर 5 और 4 9 क्वेश्चन यहां पे देख लिया जाए, इस 9 में से 3-4 सही कर लोगे तो आपका 5% वो कवर हो जाएगा, बाकी ये क्वेश्चन आपके बचे हुए। तो इस रणनीति पे आपको काम करना है। इन शॉर्ट अगर आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में बहुत, इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए, कहीं भी ओपन करके नहीं बताया क्या पूछेगा, बोलेगा कुछ भी पूछ सकता है, सामान्य जानकारी में भी वही लिखा है, कंप्यूटर में भी वही चीज आपका यूपी स्पेशल में भी लिखा है, तो वो पूछने को आपसे कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए अगर आपको पढ़ना है तो मेरे हिसाब से आपको कंप्यूटर पे, आपको रीजनिंग पे, आपको हिंदी पे, इन 3 विषय पे ज्यादा फोकस करना है, और उसके बाद फिर आपको यूपी स्पेशल पे अच्छे से फोकस करना है, और फिर आपको जीएस पे फोकस करना है। ये पोर्शन अगर कर लोगे तो आपको कोई सिलेक्शन लेने से रोक नहीं पाएगा। बाकी अब यहां पे आता है कि सर हम ये कर तो ले, लेकिन करें कहां से, उसके लिए किताबें कौन सी होनी चाहिए, किस बुक्स से पढ़े, क्या जूनियर असिस्टेंट के लिए कोई स्पेशल किताब है, यूपी ट्रिपल एससी जैसे पैटर्न बदला है क्या उसके हिसाब से कोई स्पेशल किताब है, तो बुक्स, क्या हमें सर लास्ट में ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें या कहीं पे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करें या फिर हम सेल्फ स्टडी करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि हम यहाँ पे क्या करें। तो बेटा एक चीज समझना, आजकल ऑफलाइन तो फिर भी चलो 3-4 हजार रुपए में है, ऑनलाइन बहुत सस्ते प्लेटफॉर्म होते हैं, यहाँ पे मुझे लगता है 500-600-700 रुपए अगर आप खर्च कर देते हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो भैया जब आप सैलरी पाओगे तो पहली सैलरी जो आपकी आएगी वो 30,000 बैठेगी जूनियर असिस्टेंट की, जो आपकी 2000 ग्रेड पे, पहले 1900 था अब आपका 2000 ग्रेड पे ये माना जाता है, तो आप 30,000 तो मिनिमम क्या होगी, पहली सैलरी आएगी, उसके आगे आपका ये कोर्स कुछ भी नहीं होता है। तो किताबें क्या है, किताबें के लिए मैं सब कुछ बताऊंगा, बट इतना आप समझिए आपके लिए टीम परीक्षा प्लस एक बहुत बेहतरीन लेके आया है कि मात्र 200, ये 699 का बैच है, हालांकि 24 घंटे के लिए, 24 आवर, ध्यान दे लेना और इसके बाद नोट कर लेना, ये प्राइस भी आपकी बढ़ जाएगी। लिमिटेड ऑफर 24 आवर के लिए 699 का जो नया बैच है वो आपका 299 मात्र में अवेलेबल है। इसमें क्या मिलेगा, एक बैच हमने जूनियर असिस्टेंट का सक्सेसफुली बहुत बढ़िया चलाया और उसके बाद अब यहाँ पे दूसरा आ रहा है, लाइव बैच ही आएगा, इसमें आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड होगा, मतलब कि जो आपकी प्रीवियस बैच पढ़ा है वो सारी कंटेंट आपको इसमें फिर से मिल जाएगा और आपको नया फिर से लाइव क्लासेस तो चलेंगी चलेंगी। सारे आपको स्टडी मटेरियल, जैसे अगर आप देखोगे किताबें तो हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता पूरी यूपी ट्रिपल एससी के अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से ये किताब है, सामान्य बुद्धि परीक्षण रीजनिंग का है, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी बहुत बढ़िया किताब आप पढ़ोगे, और उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत, अभी मैं उत्तर प्रदेश का डेमो भी दिखा देता हूं, सामान्य अध्ययन जीएस का, जीएस में अलग अलग किताबें आपका जैसे भूगोल का अलग, इतिहास का अलग, या आपके अलग अलग क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, हिस्ट्री का अलग हो जाएगा, ज्योग्राफी का अलग हो जाएगा, पॉलिटिक्स का अलग हो जाएगा, साइंस का अलग हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का अलग हो जाएगा, अलग अलग किताबें आपको मिलेंगी, और आपको संडे संडे करंट भी, आपको करंट और स्टैटिक स्पेशली कवर कराया जाएगा ताकि आपका ये हो जाए कवर हो जाए। ये सारी क्लासेस जो आपकी हैं, जो हैं ये सब कुछ आप परीक्षा प्लस ऐप से प्राप्त कर सकते हो, और मंडे से आपके न्यू बैच का जो हो जाएगा ये क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। कहां पे स्टार्ट हो जाएगा, ये आपका परीक्षा प्लस ऐप पे स्टार्ट हो जाएगा। परीक्षा प्लस ऐप से जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में परीक्षा प्लस ऐप का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, साथ में आप प्ले स्टोर पे जाके गूगल प्ले स्टोर पे जाके परीक्षा प्लस सर्च भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट live.parikshaplus.org पे भी जाएंगे और आपको बैचेस दिखेंगे, आप यूपी ट्रिपल एससी सेक्शन में जाएंगे, यूपी ट्रिपल एससी सेक्शन में ही आपका जूनियर असिस्टेंट 2.0 के नाम से बैच आएगा। ये हमारा पुराना बैच है, ये हमारा जूनियर असिस्टेंट 2.0 है, यहाँ पे आप देखोगे 299 और यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका पुराना बैच 499 में था, अभी ऑफर में ये चल रहा था, लेकिन ये लाइव बैच है और इसमें ये सारी चीजें, टाइम टेबल, साइंस, रीजनिंग, हिस्ट्री सब कुछ आपको मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखा दूं, केवल अभी ये यूपी को दिखा देता हूं, पीडीएफ नोट्स में मैं केवल आपको यूपी दिखा देता हूं, आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल का आपको यहाँ पे नोट्स मिलने वाला है, बिल्कुल अपडेटेड जिस प्रकार से आपका यूपी ट्रिपल एससी पूछ रहा है। तो यूपी स्पेशल का मैं नोट्स आपको दिखा देता हूं अगर ये ओपन हो जाता है डेमो में। एक चीज समझिएगा कि आपको ये 299 रुपए, 399 रुपए शायद
अभी महंगे लग रहे हूं, लेकिन जो इसका कंटेंट है, जो इसका आप बोल सकते हो कि ये जो एज पर आपका बिल्कुल मैपिंग के साथ आपके सिलेबस के अनुसार ये तैयार किया गया है, बिल्कुल उसका स्टैटिक हो या उसका ज्योग्राफी हो, उसका चाहे हिस्ट्री हो, हर चीज बहुत बेहतरीन तरीके से जो आपको दिया गया है वो शायद आपको कहीं अलग मार्केट की किसी किताब में नहीं मिलेगा। बहुत ही मेहनत करके कंटेंट तैयार किया गया। और लाइव क्लासेस में आपके जैसे मैं जितने भी आपके जैसे कंप्यूटर और रीजनिंग आपको आशीष सर पढ़ा रहे होंगे, हिंदी आपको अरुण शुक्ला सर पढ़ा रहे होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, यूपी स्पेशल स्टैटिक आपको प्रियंका मैम पढ़ा रही होंगी, ऐसे ही आपके हिस्ट्री हो गया वो आपको फहीम सर पढ़ा रहे होंगे, जो ज्योग्राफी है वो आपको नवीन सर पढ़ा रहे होंगे, साइंस भी आपको नवीन सर पढ़ाएंगे। तो ये सारे साइंस, हालांकि कोई बहुत ज्यादा पढ़ने मतलब नहीं, एक क्वेश्चन पूछता है पूछा भी नहीं जाएगा, तो साइंस पे आप लोग बहुत ज्यादा परेशान मत होना। तो ये सारी चीजें आपको परीक्षा प्लस ऐप से मिल सकती है, ये सारे ही कंटेंट आपको वहां से मिल सकते हैं। और ये बिल्कुल ही क्या है, ये बिल्कुल ही अगर बात किया जाए तो बिल्कुल ही आपका प्राइस लेस, इसे समझ लीजिए 299 कोई प्राइस नहीं होती, शायद इससे कम में आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस बात की भी गारंटी दे रहा हूं। इसमें आपको तमाम सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, ये देखिए तमाम टॉपिक टेस्ट जो आपके यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से है वो टॉपिक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पे जो लाइव अपकमिंग वीडियो होती है वो सारी चीजें मिल जाएंगी। ये सब कुछ आपका जूनियर असिस्टेंट 2.0 में जो पुराना है वो भी मिल जाएगा, और नया आपके मंडे से क्लास चलेगा। टाइम टेबल क्या होगा इसका तो मैं बता दूं, जो क्लासेस हैं आपकी 2 बजे से चलेंगे, शाम को 2 बजे, शाम को 3 बजे, शाम को 4 बजे, शाम को 5 बजे, लगातार 4 घंटे क्लासेस चलेंगी। 2 बजे आपकी जीएस की क्लास चलेगी, ऐसे ही 3 बजे आपकी क्लास चलेगी, 3 बजे शायद ना चले, उसके बाद 4 बजे फिर से आपकी रीजनिंग और कंप्यूटर की क्लास चलेगी, और 5 बजे फिर आपकी ऐसे क्लास चलेगी, ठीक है, हिंदी वगैरह की। तो जितने भी आपके हैं वो टाइम टेबल भी आपका यहीं पे इस सेक्शन में जाएंगे, टाइम टेबल भी आपको मिल जाएगा नया अपडेट होके, और सब कुछ आप वहां से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उम्मीद है आप इस बैच से जल्द जुड़ेंगे और एक बार हमें दोबारा सेवा का मौका देंगे और अपनी तैयारी को चार चांद लगाएंगे, लेकिन अगर इस तरीके से फॉलो कर लिए तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाली है। चलिए फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।